सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र के पडवनिया गांव में एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार और कृत्य करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भूत प्रेत के शक में गांव के कुछ लोगों ने महिला का सिर मुंडवाकर मुंह पर कालिक और रोरी पोतकर और चप्पल जूते की माला गले में पहनाकर महिला को पूरे गांव में घुमाया गया है। सोशल मीडिया पर अब महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ओझाई से संबंधित एक मामला बीते 21 मई को सामने आया था, जब दूसरे पक्ष के ओझा और महिला के विवाद में 151 में एक ओझा का चालान हुआ था। मामला पुनः फिर से संज्ञान में लाया गया है, जिसके तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ऐसे में जो भी और जांच है उसको निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है। अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें कल शाम को एक मुकदमा दर्ज किया गया है। क्राइम नंबर 154/22 है, 147, 323, 504, 506 धारा 500 और 509 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो क्या मामला था? ये ग्राम पड़वनिया पड़ता है, थाना घोरावल क्षेत्र में। वहाँ पे ओझाई का मामला था। ये जो पीड़िता है ये गल्लू देवी, ये ओझाई के चक्कर में आई थी। तो जो ओझा था उस समय हुबलाल, ये घटनाक्रम था 21 मई का। और जैसे ही थाने के संज्ञान में आया तो हुबलाल जो ओझा था उसको 22 मई को 151 के में चालान किया गया था। तब इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी, अब शिकायत आई है तो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और विलंब से जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें मैं भी जांच कर रहा हूं, और जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनके विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। गिरफ्तारी सर हो पाई? अभी फिलहाल मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु 151 पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है ओझा की। बता दें कि घेरावल थाना क्षेत्र के पडवनिया गांव में एक व्यक्ति को शक था कि महिला ने उसके बेटे और बहू पर जादू कर रखा है, जिसको लेकर गांव में पंचायत भी कराई गई थी, जहां पर पीड़ित महिला को दोषी बनाया गया। इसके बाद शक में महिला के सिर के बाल मुंडवाकर चेहरे पर चूना रोरी और कालिक पोत दी गई। फिर महिला को जूता चप्पल की माला पहनाकर पूरे गाँव में घुमाया गया। कुछ दिनों तक डर के मारे मामला गांव स्तर पर ही दबा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला सबके सामने आ गया। शुक्रवार को घेरावल पुलिस के पास मामला आते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने फिलहाल 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोनभद्र से संतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।